वीडियो अगर आपने देख लिया और पिक्सआर्ट के बारे में जानना चाहती हो और पिक्सआर्ट की चैटिंग के बारे में जानना चाहती हो, आप हमारे साथ रहिए। इस वीडियो को पूरा देख के जाइए, तब तो आपकी समझ में आएगा भाई फोटो एडिटिंग क्या होती है और कैसा करना है, कैसे बैकग्राउंड में DSLR देना है। हमारे जो नॉर्मल फ़ोन है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, नॉर्मल फ़ोन से हम फोटो शूट कर लेते हैं, फिर DSLR से बैकग्राउंड में। हर कोई को ब्रांडेड चाहिए फोटो एडिटिंग के लिए, आप पिक्सआर्ट यूज़ करिए, हमारे साथ चलिए और हम आपको सिखाएंगे क्या करें। आज की वीडियो पे क्लिक मत करें, आप वीडियो देख के जाइए, विश्वास नहीं है तो हमारे साथ रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हमारा चैनल का नाम है IM फोटो और हमारा नाम इमरान। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। चलिए पिक्सआर्ट में आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आने के बाद आप इधर में क्लिक करके जो फोटो आप एडिट करना चाहती हो, जो भी फोटो आपकी फ़ोन में है वो फोटो को एडिट करना आप चाहती हो, उस फोटो को आप पहले कोई फोटो ले लेता हो जल्दी से। कोई भी बैकग्राउंड ले, बाद में आपको दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड मेरे फोन में ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं हुआ और दिखाने के लिए मैं इस वाले बैकग्राउंड चलिए मिल गया, ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट करता। पहले आप इस बैकग्राउंड को कुछ कलर, पहले इस बैकग्राउंड को आप डाउनलोड कर लेना कोई पे, आप बहुत सारे गूगल में जाके फोटो एडिटिंग की बैकग्राउंड कहेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे एक बैकग्राउंड मिलने के बाद आप जब ओपन करोगे इसको, ओपन करने के बाद आप इसमें क्लिक करके वीडियो ज़रा लंबा हो सकती है, जिस फोटो की आप बैकग्राउंड हटाना चाहती हो उस फोटो को आप ले लेना है। मैं कौन सा फोटो को बैकग्राउंड दरिए में इन ये वाला फोटो को बैकग्राउंड हटाओ, ठीक है। इन वाला फोटो को बैकग्राउंड हटाने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन है कांची से काट कर लेंगे। कांची से कैसे, कांची में जाके ऐसे आप एड फोटो बैकग्राउंड रिमूव में जितना टाइम लगाओगे ना उतना आपकी फ़ोटो रियल लगेगा और उतना अच्छा लगेगा। और जो क्या तो ऐसे 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 करने से आपका फ़ोटो भी अच्छा नहीं होगा, बाद में बोलेगा फ़ोटो में बैकग्राउंड की एक अच्छा किरदार होती है, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद इसमें क्लिक कर देना, इसमें क्लिक करने के बाद आप कोई पे भी कुछ रह गई तो इसमें क्लिक करके आप ये फ़ोटो की बैकग्राउंड ऐसे काट कर लेना है। ऐसे अच्छा से आप देखिए, ऐसे आपकी अच्छा से मैं कर लेना है। आप करने के बाद आपकी जितना टाइम लगेगा उतना फ़ोटो अच्छा होगा। बाद में ओके के नेक्स्ट में क्लिक करिए। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास ये है, ये इसमें क्लिक करके हम इस ब्रश को, इस काट को क्लिक करके हम ऐसे देखिए ये से बहुत अच्छा होती है ना, इसमें से आप बहुत अच्छा एडिटिंग हो। जो फोटो बैकग्राउंड रिमूव होती है आप ज़रा सा ध्यान से कीजिए, आपके पास जल्दी हो जाएगा। आपकी आपकी जो ब्रश है ना, आपकी साइज़ की ब्रश ले लेना है, ठीक है। जो पहले मैं आपकी यहाँ पे टाइम नहीं गंवाना चाहता हूँ, पहले मैं एक बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है और भी ज़्यादा आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव टाइम वेस्ट ना करना चाहते हो और ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड लगाना चाहते तो एक क्लिक में आप बैकग्राउंड क्लिक रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख लेना, ज़रूर देख लेना। इस वीडियो लंबा होगी क्योंकि हम आपको डिटेल से साथ बात करेंगे। चलिए मैं वो वाला फोटो ले लेता हूँ जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था। कहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके रखा था, चलिए यहाँ पे मैं इस फोटो को अपनी मर्जी से
आपकी फ़ोटो की मर्जी से आप इसे लगा देना है, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आप भी देखिए मुझे यहाँ कोने पे कुछ दिखाई दिया है, इसको मैं ज़रा सा काट लेता हूँ, ठीक है ना। फ़ोटो को थोड़ा रियल लगाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें से काट करेंगे जो फ़ोटो को ज़्यादा रियल लगे, ठीक है। इसके बाद जो ट्रैप आती है इसमें क्लिक करके आप इसमें क्लिक करके फोटो आपको दिखाने के लिए बस मैंने ये एडिटिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो लंबा होगी कैसे एडिट करना है सब कुछ दिखाने के लिए। इस वीडियो में जो इसमें क्लिक करके आपकी फ़ोटो की ये टेम्परेचर कम भी कर सकती हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, मुझे इतना रखना है, मेरा फेस गोरा चाहिए तो फेस गोरा के लिए इतना रखिए और इसमें क्लिक करिए और ये जो आखिर में देख रहे हो इसमें क्लिक कीजिए और ब्रश को चूज कीजिए और इस तरह से आप कुछ जल्दी से मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। देखिए आप ज़रा उसमें जाती होगी उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके फिर यहाँ जाता हूँ, फिर इस ऑप्शन पे जाती हूँ। ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे बहुत जो नया सीख रहे हैं ना सीखना चाहते हो इसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ है, आप जाके ये जो इसमें फ़ोटो देखिए मुझे थोड़ा ये इतना रख देता हूँ, ये 25 पे अच्छा लग रहा है। आपकी मर्जी, आपकी फ़ोटो में जितना चाहिए ना उतना आप मर्जी से, ऐसा डिटेल से कोई नहीं बताएगा, ये आपकी मर्जी से रख लेना है, ठीक है। और ये भी आपकी फ़ोटो में ज़्यादा रेड टाइप का है तो आप ये थोड़ा सा कम कर दीजिए, और आपका फ़ोटो ज़्यादा सफ़ेद की कलर पे है तो इस थोड़ा रेड टाइप दे सकती हो, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सफ़ेद चाहिए। ओ यहाँ पे ये जो ट्रिक है ना इसमें आप कोई भी कलर आप दे सकती है, देखिए ये जो मुझे लगता है कौन सा कलर ये कलर देना है तो क्या करना है आपको जो ही कलर आपको रखना है इसको करके इसे काट कर लेना है और आपकी जहाँ का कलर रखना है आप रख सकती हो, ठीक है ना। जो इस मुझे यहाँ पे कोई कलर नहीं रखना है, चलिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, रुको ज़रा सब्र कीजिए, इस वाले में क्लिक कीजिए, देखिए रुको ज़रा ब्रेक, जो ये बताया था आप बताऊंगा ये वाला बताने की। देखिए इसमें भी आप ऐसे एडजस्टमेंट कर सकती हो आपकी फ़ोटो के हिसाब से, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड को थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा हो रही है थोड़ा कमती कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रख लेता हूँ 24, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ में बहुत सारे है ना, ये बहुत सारे है, आप जाके किसी भी यूज़ कर सकती हो। देखिए इस पर हम लगाएंगे ऐसे ट्रैप करेंगे, इसमें नेक्स्ट में मारेंगे, देखिए आज ये हो गया। देखिए आप इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसके लिए अगली वीडियो बना इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक में बारे में इसके हम लास्ट में बताऊँगा, ये बहुत मेन वाला है इसकी हम लास्ट में बताएंगे, इस वाले को बता देता हूँ। चलिए इसमें क्लिक करके ना आपके फेस में दाग धब्बा ज़्यादा हो रही है, कुछ फेस में दिक्कत आ रही है तो इसमें इसको ये फेस को फिनिशिंग देता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा फेस को फिनिशिंग देता है। देखिए ये ऐसे क्लिक करना है, देखिए ये फेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव लेता है, बहुत अच्छा फोटो है, देखिए क्या था, ठीक है ना। मैं एड रन कर देता हूँ, क्लिक करके इसमें ये जो आपके फेस में कोई पे दाग धब्बा है ना तो इसमें क्लिक करके आप चूज कर सकती हो क्या
पे आपका दाग धब्बा है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है ना। चलती हूँ मैं दूसरा टिप और ट्रिक्स। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, इसकी जो क्या है, इसके जो आप कोई भी कुछ भी लगाना चाहती हो ना, कोई भी आपका डाटा ऑन होना चाहिए, आप कुछ भी सर्च कर दिए, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप लगा सकते हो, ठीक है। मुझे कोई भी लगाना, मुझे नेट स्लो है इसलिए ज़्यादा मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लगा लेना आप, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, एडिट करने के बाद समझ में आएगा कितना लंबा हुआ। ये जो है ना, इसमें आप कोई भी टाइप करके दे सकती हो, ठीक है। इसके बेकार है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक है, इसमें जाके आप फोटो को डाउनलोड कर सकती हो, इसमें जाके आपको ये यहाँ पे फ़ोटो डाउनलोड कर सकती हो, ठीक है ना। इसमें फ़ोटो भी ऐड करके वगैरह वगैरह कर सकती हो, ठीक है ना। इसकी आप लोग न्यू कोई फ़ोटो एडिटिंग सीख रहा है तो इसकी बेसिकली कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं अगली टिप जो मैंने बताया था इसके बारे में बताऊँगा, चलिए इसमें घुसती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर दिए गए, आप जाके यूज़ कर सकती हो। मेन मुद्दा है, मैंने जो बोला था बैकग्राउंड में DSLR देना है ना भाई, ये DSLR अभी दे सकती हो। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप देखिए ये ब्लर पे आके यहाँ पे क्लिक कर देना। इसको ज़्यादा कर सकती हो, कम भी कर सकती हो, और इसमें और जो कर सकती हो, ठीक है ना। इसमें क्लिक करके आप बैकग्राउंड को DSLR ऐसे अच्छा से देना है। मैं तो आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ ना, इसलिए दे रहा हूँ, आप अच्छा से देना। देखिए आप अच्छे से काट के जो जैसे DSLR के जैसे होना है, तो आपकी फ्रेम देखेगा तो बोलेगा क्या यार, तूने तो DSLR से फ़ोटो क्लिक किया है ना। हमारा बैकग्राउंड जो में है वो पहले से DSLR है जो है। इसके लिए मैं और DSLR ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं इसमें बैक हो गया, और देखिए यहाँ पे लास्ट जो है ना, ये लास्ट में जो क्या होती है, पहला ये जो ये फिल्टर बहुत काम का है ना। आप गाड़ी का कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए कैसे चेंज हो रहा है ना। ये हर कोई नहीं बताता है, हमारा भाई बता रहा है। ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, कोई भी क्या कलर रखना चाहिए, इस कलर रखना है इसे फेस का थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ, कोई भी कलर आप चूज करिए और रखिए, कोई बात नहीं। ये गाड़ी के कलर रखना है, इसमें क्लिक करिए, आपका पेज में आ गया। इसमें ऐसे काट डालिए साले को, ठीक है। मेरा दोस्त लोग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। आपको आज वीडियो देखा के जहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप पीछे की फिल्टर दे सकती हो, ठीक है ना। ये देखिए बहुत सारे फिल्टर है, आप जाके काट के भी लगा सकती हो ये गाड़ी में। इसमें ये फिल्टर ज़रूर यूज़ कीजिए, आपका फ़ोटो में कोई दिक्कत आ रहा है ज़रा इस फिल्टर पे। ये ना मैं आखिर में तीन फिल्टर दिए हुए, ये फिल्टर ज़रूर यूज़ कीजिए, और यूज़ करने की तरीका है, ठीक है ना। इस फिल्टर को ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो में कुछ बाकी रह गया है आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए क्या बाकी है, और आप किस बारे में सोचना चाहती हो, कैसा क्या देना चाहती हो वीडियो में। बहुत सारा क्वालिटी है, आप चाहते तो वीडियो में ऐसे गाइडलाइन दे सकती हो, ठीक है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो में यहाँ पर एंड करता हूँ। दूसरी आखिरी वीडियो में मैं बताऊंगा वीडियो की लास्ट तक। चलिए आप ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहती है, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं और दूसरा वीडियो आते देरी हो सकती है, मगर अगले संडे, तो हर संडे में वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगले संडे में ऐसा कोई नया यूनिक वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। चलिए आज मैं खुद
यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप खैरियत से रहिए और मेरे साथ दुआ करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे फ़ोटो पाने के लिए अपडेटेशन बेल आइकन क्लिक करके रखिए। चलिए दुआ करती हूँ, चलती हूँ मेरे साथ, बाय बाय।